वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं विभावरी दीक्षित। अब जमीन ही नहीं पानी में भी दौड़ेगी मेट्रो, क्योंकि अंडर वाटर मेट्रो का सपना अब साकार होने जा रहा है। पानी के नीचे यात्रा करने का लोगों का सपना आज पूरा होने जा रहा है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि KMRC अपने ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट के तहत अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाकर तैयार कर चुका है। आज 13 फरवरी 2020 को कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय देश के पहले अंडर वाटर रन को देखने के लिए तैयार है। कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई ये टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो और क्या है इसकी खासियत। इस मेट्रो का निर्माण दो फेज में किया जा रहा था। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला है। पहला फेज सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा है। इस लाइन पर करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं। दूसरा फेज अंडरग्राउंड मेट्रो का 11 किलोमीटर लंबा है। इस सुरंग को बनाने में रूस और थाईलैंड के स्पेशलिस्ट की सलाह ली गई थी। वहीं सुरंग के पानी का रिसाव रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसे पानी के रिसाव से बचाने के लिए 3 लेयर के सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ पाएगी। मेट्रो रेलवे के CPRO ने बताया कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो होगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बहुत जल्द हुगली नदी के भीतर मेट्रो चलाने जा रही है। ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को अंडरवाटर मेट्रो का रोमांचक अनुभव मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है, जिसमें से 10.9 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन है। इस सेक्शन का 9.1 किलोमीटर पूरा हो चुका है, अब महज कुछ किलोमीटर का ही काम बचा है। इस बीच 13 फरवरी को 4.88 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो चलाई गई। बता दें कि ये पहली बार है जब कोलकाता हावड़ा शहरों को जोड़ने के लिए हुगली नदी के नीचे सुरंगों का निर्माण किया गया है। इस मेट्रो में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का किराया मात्र 5 रुपए होगा। खबरों के मुताबिक 2 किलोमीटर तक के लिए 5 रुपए, 5 किलोमीटर तक के लिए 10 रुपए, 10 किलोमीटर तक के लिए 20 रुपए और फिर अंतिम स्टेशन के लिए यात्रियों को 30 रुपए चुकाने होंगे। इस अंडरवाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई अड़चनें भी आईं। पिछले साल नदी के अंदर सुरंग निर्माण कार्य के दौरान एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण भूस्खलन हुआ और मध्य कोलकाता के बो बाजार क्षेत्र की कई इमारतें ढह गई थीं। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सुरंग खोदने का काम फिर से शुरू हो गया था। तो ये थी अंडरवाटर मेट्रो से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर और बने रहें जनसत्ता के साथ।